जब से इस प्रदेश में छत्तीसगढ़ में भूपेश की कांग्रेस की सरकार आई है, निश्चित रूप से लगातार अव्यवस्थाओं का आलम है। और अति तो तब हो गई जब चंदू लाल चंद्राकर जो मेडिकल कॉलेज है, जिसे 2018 के आसपास, जिस पर बहुत गंभीर आरोप मेडिकल काउंसिल के द्वारा लगाए गए हैं, बावजूद इसके उस कॉलेज को, चूंकि वो भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उनके रिश्तेदारों का कॉलेज है, इसलिए उसको 125 करोड़ रुपए की अनुदान राशि देने की योजना थी। और निजी संपत्ति होने के बावजूद कल इसको विधानसभा में अनुपूरक बजट में शामिल कर लिया गया। और सरकार इस पर जब आगे की कार्रवाई चाही, निश्चित रूप से, तो एक विधायक ने वहाँ पर विरोध किया। और निजी संपत्ति पर आप कैसे उसको बजट में शामिल कर लेंगे और कैसे आप उस पर 125 करोड़ रुपए अनुदान दे देंगे? छत्तीसगढ़ के जनता का पैसा अपने रिश्तेदार लोगों को लुटाने पर आमादा हैं भूपेश बघेल जी। इन्हीं सब विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आज छत्तीसगढ़ के समस्त संभाग मुख्यालय में ये पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित था। मुख्यमंत्री जी का पुतला जलाया गया।